सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे और उसे लंबाई में काट लेंगे, और एक गिफ्ट पेपर लेंगे और उसे भी ऐसे ही काटेंगे। और कार्डबोर्ड के ऊपर ये गिफ्ट पेपर टेप की हेल्प से हम लगाएंगे। जी इस तरीके से हमने पूरी साड़ी पर टेप लगा देनी है और इस तरीके का ये बन जाएगा। ये हमने बास्केट का हैंडल तैयार किया है। फिर हम एक प्लास्टिक की बास्केट लेंगे। आपको जिस शेप में भी प्लास्टिक की बास्केट अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने फिर से ये गिफ्ट पेपर लगाया सिल्वर कलर का, और इसे अच्छे तरीके से हमने लगा देना है टेप से। इस तरीके का दिखेगा अब, और इसी तरीके से हमने ये ट्रांसपेरेंट येलो कलर का पेपर है, ये भी गिफ्ट पेपर है, तो इसको भी हम ऐसे ही ऊपर लगा देंगे। जी अब हमारी बास्केट रेडी हो गई है, तो अब हम इसे फिल करेंगे। सबसे पहले हम ईदी दे रखेंगे जो कि सबसे मेन चीज़ है। तो मैंने 500 ईदी रखी है, आप इतनी चाहे रखें, ये ऑप्शनल है, इसलिए मैंने इसे लिस्ट में भी ऐड नहीं किया। और ये मैंने गिफ्ट लिया था बैंगल, और इसे मैंने गिफ्ट बॉक्स के अंदर भी डाल कर रख दिया। ये चूड़ियाँ हैं, और ये चूड़ियाँ भी मैंने इसके अंदर रख दी। ये चॉकलेट्स हैं, मेहंदी, ये खूबसूरत सी की चेन है, ये भी मैंने रख दी। और ये ईदी, ये भी मैंने रख दी। और इस तरीके से हमने अपनी बास्केट फुल कर ली। अब हमने ये हैंडल ग्लू गन की हेल्प से बास्केट पर लगा देना है। आप नेट का कपड़ा लीजिए और ऐसे से ओपन कर लीजिए, और इसके ऊपर ये जो हमने बास्केट रेडी की है इसको रखें, और इसके जितने भी किनारे हैं उनको आपने पकड़ना है अच्छे तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ। तमाम किनारे जहाँ जहाँ से भी ये जो ओपन है उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और ऐसे ऊपर से पकड़कर
तरह से आपने देखना है कि कहीं से ओपन ना हो। और फिर रबर बैंड की हेल्प से आपने इसको बंद कर लेना है। रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, डोरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो यूज़ कर लें और उससे बंद कर दें। और एंड पर ये लगा दें आप। देखें कितनी खूबसूरत सी बास्केट तैयार हो गई हमारी। अब आप भी अपनी ईद की बास्केट ऐसे ही रेडी करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।